अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लंदन स्पेशल फोर्सेस टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। फर्स्ट वी डिस्कस टेम्पररी डाइपोल। कंसिडर अ न्यूट्रल एटम। हम सब जानते हैं कि एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्वेशन में टाइम ऐसा आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ ज़्यादा हो जाते हैं और एक तरफ कम हो जाते हैं। एटम कुछ इस तरह से हो जाता है। इस एटम में एक टाइम ऐसा आया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर ज़्यादा हो गए और एक साइड पर कम हो गया। इस एटम का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो गया। क्या होगा, इस डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक साइड एटम की ऐसी है कि जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक साइड ऐसी है जहां पर लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जहां पर लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इसको कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से जो इस पर चार्ज आएगा वो होगा पार्शली पॉजिटिव और जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर ये एटम पार्शली नेगेटिव का चार्ज शो करेगा। अब जो ये एटम जिस पर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव का चार्ज आया है ये एटम कहलाता है डायपोल। दिस इज द डायपोल। इसको डायपोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास दो पोल्स हैं, एक पार्शियली नेगेटिव और एक पार्शियली पॉजिटिव का पोल है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं दोबारा से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, यानी कि ये कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा जो डायपोल की फॉर्मेशन होगी ये कुछ अर्से के लिए होगी और थोड़े टाइम बाद दोबारा से ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हुए थे ये दोबारा से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे तो अगेन फॉर्मेशन हो जाएगी न्यूट्रल एटम की। ये जो पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव के साइंस हैं ये भी खत्म हो जाएंगे तो अगेन डायपोल कन्वर्ट हो जाएगा इन अ न्यूट्रल एटम में। इसीलिए इस डायपोल को टेम्पररी डायपोल भी कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल के लिए सबसे पहले आपने कंसीडर करना है टेम्पररी डायपोल। हमें मालूम है कि टेम्पररी डायपोल के पास टेम्पररी पॉजिटिव पोल्स और टेम्पररी नेगेटिव पोल्स हैं। अब क्या होगा कि इस टेम्पररी डायपोल के आगे एक न्यूट्रल एटम रख दिया जाए। ये न्यूट्रल एटम है और ये टेम्पररी डायपोल है। टेम्पररी डायपोल का पॉजिटिव पार्शियल साइड इस न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जिसके नतीजे में जो इस न्यूट्रल एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। तो जब इस पार्शियली पॉजिटिव साइड ऑफ टेम्पररी डायपोल ने न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा तो अब न्यूट्रल एटम का स्ट्रक्चर डिस्टोर्टेड हो गया। तो अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव और ये हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इस टेम्पररी डायपोल ने इस न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर दिया जिसकी वजह से इंड्यूस्ड डायपोल की फॉर्मेशन है। यहाँ पर ये पोलराइज्ड हो गया है। अब यहाँ पर दो पोलराइज्ड एटम्स हैं। हियर वी हैव टू पोलराइज्ड डायपोल्स, एक टेम्पररी डायपोल और एक एन इंड्यूस्ड डायपोल। टेम्पररी डायपोल की पॉजिटिव साइड जब अट्रैक्ट करेगी इंड्यूस्ड डायपोल की नेगेटिव पोल के साथ, इन दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये जो अट्रैक्शन यहाँ डेवलप हो रही है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कहलाती हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज बहुत ही वीक और टेम्पररी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है दो पार्टिकल्स के दरमियान में, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में जो ये फोर्सेस पाई जाती हैं ये बहुत ही वीक होती हैं और टेम्पररी होती हैं। तो टेम्पररी डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान में जो अट्रैक्शन पाई जाती है वो कहलाती है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब सवाल ये है कि ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट कहाँ करती है, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पोलर एंड नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाएंगी वो डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर दी हैलोजन्स एंड कंटेन्स लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन इज 188 डिग्री सेल्सियस। क्लोरीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन इज 34 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन वाटर इज 59 डिग्री सेल्सियस।
एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन इज 114 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन तमाम हैलोजन्स के पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं तो फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट क्यों हैं? इनका बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन के पास वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं जबकि आयोडीन के पास स्ट्रांग होती हैं। फ्लोरीन हैव वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, वेल आयोडीन हैव स्ट्रांग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। फ्लोरीन के एटम में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि आयोडीन के एटम में 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कम इलेक्ट्रॉन्स मतलब वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो इट मीन्स के स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वहां मौजूद है। तो इसी वजह से ग्रुप 7 में आप जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है, इसके नतीजे में इनकी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी इंक्रीज होती है डाउन बिलो। इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है डाउन बिलो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।